आज किस तरह की फिरोजाबाद क्लब के अंदर प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या मामला है, किस तरह का? आपने सुना होगा हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे के सिद्धांत पर फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल ने ये संकल्प लिया है कि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं मुकुंद मिश्रा जी, 13 मार्च से उन्होंने स्वायमान यात्रा व्यापारियों के हितों के लिए जो शुरुआत की है वो यात्रा हमारे 23 मार्च को फिरोजाबाद में प्रवेश कर रही है। हम पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके सानिध्य में सभी लोगों ने काम किया है। मुझसे पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्रनाथ तिवारी जी हों या सुनील अग्रवाल जी हों या हमारे कैलाश उपाध्याय जी हों या तमाम पदाधिकारी हों, और हम तो नए नए पदाधिकारी बने, 4-5 साल का हम लोगों का कार्यकाल है। हमारे देश दीपक जी हैं, हमारे यादव जी हैं, आज सम्मानित इंटीरियर ग्लास के हमारे संजय गुप्ता जी हैं, आज हमारे चिराग भैया जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, हासिम जी हैं, अमित जी हैं, ये तमाम जो पदाधिकारी हैं इन्होंने संकल्प लिया है कि 23 तारीख की जो स्वायमान यात्रा निकल रही है उसमें हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जो लोग रास्ते भूल गए, हम भाजपा के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, आपने देखा होगा विपक्षी पार्टियां लोगों को प्रमोट करती हैं, जिंदा करती हैं, और नीतियां जिससे प्रभावित होती हैं वहां चले जाते हैं। इसी तरह से फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारियों को गुमराह किया गया था, आज मोनार्क होटल में एकजुटता दिखाते हुए उन्होंने संकल्प लिया है सुनील अग्रवाल के नेतृत्व में, पंडित रविंद्र लाल तिवारी के नेतृत्व में, कौशल किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में, कैलाश उपाध्याय के नेतृत्व में, सब लोग मिलजुल कर ऐसा ऐतिहासिक काम करेंगे कि फिरोजाबाद को नंबर 1 की श्रेणी में रखने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी हमारे पदाधिकारी मुकुंद मिश्रा जी के साथ आ रहे हैं, यानी ट्रिपल ए का सर्टिफिकेट फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल को देंगे। इस संकल्प के हम साथ लगे हुए हैं, और कमियां होती रही हैं, जो जिन लोगों ने गलतियां की हैं वो अगर भूल अपनी स्वीकार कर लेंगे, गलती को स्वीकार कर लेंगे, वो भी मुख्य धारा में रह के हम लोगों के साथ काम करें, और नंबर 1 संगठन है फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने उपस्थिति दर्ज। भाई आज किस तरह की प्रेस वार्ता रखी गई है? आज बता दूं मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कि आज बहुत दिनों के बाद फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल की एक विशाल प्रेस वार्ता आपके बीच में हो रही है जो स्वयं में आप देख रहे हैं। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री मुकुंद मिश्रा जी जो पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारी को जागृत करने के लिए भ्रमण यात्रा कर रही है जिसका नाम रखा है स्वाभिमान शोभा यात्रा रथ यात्रा, उस संदर्भ में ये शोभा यात्रा फिरोजाबाद जनपद में जिले में भी आगमन कर रही है। हम विगत लंबे वर्षों से लगभग मैं आप भी देख रहे हो 18 वर्षों से संगठन में काम कर रहा हूँ और एक मानसिकता से कर रहा हूँ। आदरणीय मुकुंद जी और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आदरणीय पंडित स्वर्गीय श्याम बिहारी मिश्र जी, मैं उनमें अनुयायी रखता हूँ, उनका अनुयायी हूँ, मैं उनमें आस्था रखता हूँ और उन्हीं में आस्था रखते हुए निरंतर कार्य कर रहा हूँ। उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से आपको कोई कार्यकारिणी दी गई है, वो कौन सी कार्यकारिणी? मैं स्वयं में जिलाध्यक्ष बहुत लंबे समय से हूँ इस फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल अंतर्गत उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल से। आज नई कमेटियाँ बनाई गई हैं, नए पदाधिकारियों का चयनित किया गया है, वो पदाधिकारी कोई जर्मन भ्रांत से नहीं आए, वो हमारे परिवार के हमारे शरीर के अंग थे, किन्हीं कारणों से कुछ लोगों ने उनको भ्रमित किया, वो स्वयं में घर वापसी हुए हैं और उनका अपने ही घर में वो आए हैं, तो उनका हमने आदर सत्कार किया है और नई जिम्मेदारियों के साथ उनके अंदर एक ऊर्जा भरी है और वो फिर बाजारों में व्यापारी हित में सेवा करते हुए आपको नजर आएंगे। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं, हमारे बीच में हाजीपुरा बाजार कमेटी से भाई शमसुल भाई और सिटी बाजार कमेटी से कामरान भाई और तमाम अन्य बाजार कमेटियाँ जो पूर्व में आगरा गेट से हमारे विवेक कौशल जी भी हैं, रामगढ़ से जाकिर भाई हैं, तमाम बाजार कमेटियाँ हैं जो आदरणीय श्री जिलाध्यक्ष श्री रविलाल तिवारी जी और कैलाश उपाध्याय जी और हम सब लोगों में अपनी आस्था रखते हैं और संगठन के साथ काम करते हैं, वो सब बाजार कमेटियाँ भी प्रेस वार्ता में उनके प्रतिनिधि हैं, वो उपस्थित हैं। हम सबका इस प्रेस के माध्यम से एक ही बात का कहना है कि हम सब एक हैं, हम कहीं अलग नहीं, हम कांटे के अनुयायी हैं और व्यापारी की हित की बात करते हैं, वो व्यापारियों के लिए संघर्ष करते हैं। जब जब व्यापारी पे आँच आएगी तो फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल खड़ा होगा संघर्ष के लिए। आज आप लोगों ने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, सभी का नंदन है। तिवारी जी आज किस तरह की प्रेस वार्ता रखी गई है? आज प्रेस वार्ता में मेरे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए केवल आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि आगामी दिनांक 23 मार्च दिन गुरुवार को जो प्रदेश स्तरीय यात्रा जो भ्रमण करती हुई फिरोजाबाद जनपद में आएगी उसको मैं जिलाध्यक्ष रविंद्र लाल तिवारी के नेतृत्व में टुंडला तहसील पर आकर
उसका हम आगमन करेंगे। आगवानी करने के साथ उनको वैष्णवी धाम पर और अन्य स्थानों पर स्वागत कराते हुए जैन मंदिर होते हुए और भव्यतापूर्णवक उनको व्यापारियों के बीच में रथ यात्रा और शोभा यात्रा को लेते हुए इसका नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ अन्य प्रदेश के पदाधिकारी कर रहे हैं, उन सभी का जो भव्यतापूर्वक स्वागत करेगा उसमें मेरे सभी मंचासीन और सभी मेरे युवा के साथी यहाँ पर उसका मिलजुल कर उसका स्वागत करेंगे। परंतु उस स्वागत की कड़ी में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की सभा या सम्मेलन नहीं किया जाएगा और केवल उसका स्वागत समारोह ही किया जाएगा। स्वागत स्वायमान यात्रा का जहाँ पर विसर्जन होगा वहाँ सभा के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। उसमें सोकाबा तहसील को हमने चयनित किया है और सुखावा तहसील में जाकर वो सभा को परिवर्तित करते हुए एक सम्मेलन के रूप में देते हुए सभी का वहाँ पर तहसीलों का और जिले का नगर का युवाओं का सभी लोगों का वहाँ पर परिचय करते हुए रात्रि विश्राम में वह यात्रा सुखावा तहसील में करेगी। तदुपरांत 24 तारीख को मार्च को शुक्रवार के दिन वो सरसागंज के लिए प्रस्थान करते हुए सरसागंज तहसील के सभी व्यापारियों के साथ स्वागत करते हुए कटोरी पर उनका विदाई समारोह किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पूरी कड़ी में हमारे युवा के जो पदाधिकारी यहाँ पर हैं मैं उनको कुछ जिम्मेदारियाँ आपके प्रेस के माध्यम से भी देना चाहता हूँ और संगठन के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ कि आज इसमें हमारे जो मिस्टर सिराज अली हैं सिराज अली जी उनको मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत करता हूँ।